नमस्ते भारत। बहुत ही दुखी मन से ये वीडियो मैं बना रही हूँ 32 वर्ष की उस मासूम लड़की के बारे में जिसके साथ एक बहुत बुरा हीनियस क्राइम हुआ मुंबई महाराष्ट्र में। उसके जीवन की लीला को समाप्त कर दिया गया, पर उससे पहले उसके साथ दुराचार किया, दुराचार कर उसका चीरहरण किया और उसके बाद बहुत बुरी तरीके से तड़पा तड़पा के उस दरिंदे ने उसको चिर निंद्रा यानी कि मौत की नींद सुला दिया। निर्भया का कांड हम सबके आंखों के सामने जीवंत हो गया। निर्भया एक बार फिर से तड़प तड़प कर इस दुनिया से हम सबको अलविदा बोल करके चली गई और प्रश्न चिन्ह लगने लगे मुंबई की पुलिस और महाराष्ट्र की सरकार पर। मेरा विषय सबसे बड़ा एक नारी होने के नाते यही है कि ये जो हीनियस क्राइम है, ये कहीं पर भी भारतवर्ष के किसी भी कोने पर हो, जो दरिंदे हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। पर इस वक्त अगर मैं मुंबई की बात करूं तो मुझे बुरा ये लगता है कि वहां पर जब किसी निर्दोष व्यक्ति को पकड़ने की बात होती है तो बड़ी एक्टिव पुलिस वहां पर दिखाई देती है। दुख मुझे ये होता है कि मुंबई की पुलिस और मुंबई की सरकार लिप्त है एक्सटॉर्शन में, लिप्त है इलीगल कार्यों में। वहां के जो खाकी वर्दी वाले पुलिस वाले हैं, उनका जो स्वरूप हमें दिखाई दिया पिछले कुछ समय से, वो दिखाई दिया आतंकवादियों के जैसे, वो दिखाई दिया इलीगल एक्टिविटी करने वाले लोगों के जैसे, और वो दिखाई दिया क्रिमिनल गुंडे और मवालियों के जैसे। तो अब आप मुझे ये बताइए कि लड़कियां वहां सुरक्षित कैसे रहेंगी। जहां पर ये वारदात इस बच्ची के साथ हुई है, साकीनाका नामक जगह, वो मुंबई की कोई ऐसी जगह नहीं है कि सुनसान एरिया है, एकांत एरिया है, कोई छुपी हुई जगह है, नहीं। बहुत ही क्राउडेड, बहुत ही चलती फिरती जगह है साकीनाका। मतलब वहाँ पे 24/7 भीड़ रहती है, वहाँ पर हमेशा लोग रहते हैं, आवागमन रहता है। वैसे भी आप मैं हम सब जानते हैं कि मुंबई को कहा जाता है रात का शहर, यानी कि रात में भी मुंबई चलती रहती है। कोविड के समय पर भी साकीनाका पूरी तरीके से सुनसान नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद साकीनाका में एक लड़की के साथ इतना हीनियस क्राइम हो गया। और पुलिस कहाँ थी, कहाँ पेट्रोलिंग हो रही थी, कहाँ पुलिस सड़कों पर है, कहाँ सीसीटीवी? खैर, सीसीटीवी कैमरा तो वहाँ पे लगा था और उसी की वजह से इस व्यक्ति की शिनाख्त हुई है, परंतु पुलिस पेट्रोलिंग क्यों नहीं करती? और क्या मुंबई सदा के लिए बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए असुरक्षित हो गया है, लोगों के लिए असुरक्षित हो गया है? दिशा सैलियान का केस आप और मैं अभी तक भूले नहीं, और उसके बाद ये इतना खतरनाक केस आपके मेरे देश की जनता के सामने आता है। नारी तो नारायणी कहने वाले इस भारतवर्ष के अंदर महाराष्ट्र में ये क्या हो रहा? शिव सैनिक जो लोग खुद को कहते हैं, उनकी सरकार वहां पर है और शिव सैनिक मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद बेटियों के साथ इतने बड़े क्राइम हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, गत कुछ माहों से महाराष्ट्र में क्राइम अगेंस्ट विमेन बहुत ज़्यादा बढ़ा है और इस पर लगाम कसना, इस पर अंकुश लगाना बहुत आवश्यक है। किंतु कैसे होगा ये जब सरकार अपने उस गृह मंत्री को बचाने में लगी हुई है, उनका समय उस गृह मंत्री को बचाने में चला जाता है जिसने 100 करोड़ की वसूली करी, जब सरकार ऐसे ऐसे कॉप्स को रीइंस्टेट कराती है जिनके पास कुछ भी अच्छा महाराष्ट्र या मुंबई को देने के लिए नहीं है, जो क्रिमिनल हैं, जो गुंडे हैं, जो मवाली है, जो चोर हैं, जो उचक्के हैं, जो बदमाश हैं, जो सब कुछ हैं, जो एक महिला के साथ अपना दूसरा घर बसा के अपने परिवार को छोड़ करके ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, वो क्या महिलाओं की इज्जत करेंगे? वो क्या महिलाओं को बचाने का काम करेंगे? वो क्या महिलाओं की सुरक्षा करेंगे? जहाँ पर रियाज काजी, प्रदीप शर्मा, परमवीर सिंह जैसे कॉप्स हैं, वो कैसे सही चीज़ों पर ध्यान दे पाएंगे? वो कैसे जो प्राइम मुद्दे हैं, जो विषय हैं सुरक्षा के, महिला सुरक्षा के, उन पर ध्यान देंगे? क्योंकि सरकार तो लिप्त है कुछ और ही काम करने में। मुझे सीरियसली, मैं अटक रही हूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है इस विषय पर बात करने के लिए। लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस भेजे कि मैम, यू हैवंट स्पोकन अबाउट दिस केस। ट्रस्ट मी, जब मैंने इस केस के डिटेल्स पढ़े, मैं लिटरली हिल गई। मुझे निर्भया वाला केस याद आ गया। मैंने निर्भया की माँ के साथ बहुत डिबेट्स करी हैं, मतलब जब हम एक साथ पैनल पर हुआ करते थे, एंड आई हैव सीन हर ब्रेकिंग क्राइम, एंड एज अ वुमन
आप ये सब चीज़ें नहीं झेल पाते हो। दिल्ली में एक बच्ची के साथ रेप हो जाता है। और मैं दूसरी ये चीज़ पूछना चाहती हूँ कि ये जो घटक दल हैं उसमें से तीसरा जो घटक दल है जो दिल्ली में बैठता है, हाथरस वाला मामला आप लोगों को याद है किस तरीके का तमाशा प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने किया था, सबको सर पे उठा दिया था। तो कहाँ है वो हाथरस वाला गैंग? क्यों नहीं वो महाराष्ट्र को हिला रहा है? क्यों नहीं वो सरकार में से हटने की धमकी दे रहे हैं? क्यों नहीं कह रहे हैं कि क्राइम अगेंस्ट विमेन को रोको, ये फोकस होना चाहिए? उगाही, वसूली, चोर, उचक्काई करना आपका फोकस नहीं होना चाहिए? पर अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। ये दोहरे चरित्र के दोगले लोग हैं और इनको नारी के सम्मान से, उसकी अस्मिता से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी वाणी को इस वीडियो के लिए विराम देना चाहती हूँ और आप लोगों से निवेदन करूँगी कि इस विषय पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो मुझ तक पहुँचाइएगा ही, लेकिन प्लीज़ कहीं पर भी हो इन विषयों पर ज़रूर बोलें। अगले वीडियो के माध्यम से फिर से मिलती हूँ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।